तो ये भारतीय सेना को आज बहुप्रतीक्षित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम दिए गए हैं। इन शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम का विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है और ये सेना को छोटी नदियों और नहरों जैसी यहाँ पर धरातलीय बाधाओं को पार करने में सेना की सहायता करेंगे। इस सिस्टम को DRDO और भारतीय सेना के इंजीनियरों की ओर से डिजाइन किया गया है, जबकि इनका निर्माण लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड ने किया है। इनकी कुल लागत लगभग 490 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। ये सभी ब्रिजिंग सिस्टम मैकेनिकल डिवाइस की तरह काम करते हैं और कई प्रकार की जलीय सतह जैसे नहरें, नदियां आदि पर 70 टन तक वजन वाले टैंक ले जाने में सक्षम हैं। इन सिस्टम को सेना के पास वर्तमान में मौजूद ब्रिजिंग सिस्टम में भी जोड़ा जा सकता है, जो इनकी उपयोगिता को ज़्यादा बढ़ा देता है। 10-10 मीटर वाले इन 12 ब्रिजिंग सिस्टम को पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं पर उपयोग के लिए तैनात किया जाएगा। तो आज से सेना को मिलेंगे 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम। हर तरह की जलीय बाधा को ये पार करेंगे। नहरें, नदियां पार करने में सेना को मिलेगी काफी सहायता। ये सिस्टम डेवलप किया था, आपको मालूम है, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के समय में भी हमने डिप्लॉय किया। अभी बेंगलुरु के पास कोलार में इनका पूरा ट्रायल चल रहा है, सबको दिखा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। अभी और कुछ इनपुट्स आर्म्ड फोर्सेस से जैसा चाहिए उसको करने के लिए डिस्कशंस चल रहा है। वो सिक्योरिटी एजेंसी आर्म्ड फोर्सेस के डिस्कशंस के बाद कैसा उसको मॉडिफाई करना है तो करेंगे, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें बहुत आया है, उनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा है। ये सब तैयार हो रहा है इसको प्रोडक्शन के लिए। इसमें भी हमने जो इंडस्ट्री को बोला है, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स को रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादातर दो चीजों की है। एक तो इम्प्रूव्ड मेटलर्जी, के मेटलर्जी के ऊपर रिसर्च करिए ताकि हमारा जो डेकिंग सिस्टम है और वो हमारे इसमें बढ़ सके, और दूसरा है पावर पैक, जिससे कि ये पूरे हाई मोबिलिटी व्हीकल्स चलती हैं। तो हमको हमारे आने वाले जो हमारे ब्रिज लेयर टैंक्स हैं या ट्रॉल्स हैं, उसमें हमें 750 एचपी, 1000 एचपी या उससे 1400 एचपी के जो पावर पैक्स चाहिए, तो उसमें हमने R&D और इनको सबको आग्रह किया कि इसमें रिसर्च करिए ताकि हम इसमें और हम अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट कर सकें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।